हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। आज फिर से हम एक और वीडियो में आए हैं। अभी साथ में थे, मैं अभी, मेरा ऑलरेडी मंडे को कल स्टार्ट करना है, तो फिर से सोहन राम जी से मुलाकात हुई। वो आए थे मिलने के लिए क्योंकि मेरा आज लास्ट दिन है पोलैंड में। फिर मैं अपना रिटर्न, मेरा लिथुआनिया की कंपनी है, तो मैं फिर रिटर्न लिथुआनिया जाने वाला हूँ। तो आज हम लोग सोचे कि एक वीडियो ऐसा बनाए कि जिसमें आपके साथ में ये शेयर कर सके कि हम दोनों का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है पोलैंड में रिगार्डिंग, वो अपना कोड 95 हो गया, टेकोग्राफ हो गया, या फिर ड्राइविंग रिलेटेड हो गया लाइसेंस के, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपके साथ में शेयर करेंगे। जितना मुझे एक्सपीरियंस है मैं अपने बारे में बताऊंगा, जितना सोहन राम जी को एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये अभी भी फिलहाल भी पोलैंड में काम कर रहे हैं, तो इनको जितना एक्सपीरियंस है ये अपने बारे में पर्सनल बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ जी, तो बिल्कुल सोहन राम शुरू जी, करते और हैं। कैसे आप? बस ठीक है जी, आप सुनाइए, बस सब बढ़िया। सब ठीक है? ठंडी तो तो बस, कुछ हमारे ज़्यादा ही आ भाई रही है। लोगों का बहुत मैसेज आ रहा था, तो मैं सोचा एक वीडियो अपन ऐसा बना दे कि इन लोग की हेल्प हो जाए कोड 95 के रिगार्डिंग, कोई या दिक्कत फिर नहीं। टीआरसी के बारे में इनको जो डाउट है, या फिर ड्राइविंग ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड, जैसे भी आपका लाइसेंस चेंज हो गया है, तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे आज अपन। कोई दिक्कत नहीं है, बात करते हैं ताकि जो नए बंदे आने वाले हैं, जो प्लानिंग बना रहे हैं, उन लोगों बिल्कुल को भी इस चीज़ के बारे में पता चले कि उधर का प्रोसेस क्या है, स्मूथ है या नॉर्मल है, हो सकता है नहीं हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बंदों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे वीडियो देखते हैं तो उनका मैसेज आता है, भाई मेरा वीज़ा करवा दो, तो ऐसे तो जी है जी जी नहीं कि जी जी वो मेरे बैग बिल्कुल में डाला हुआ पेपर है, निकाल के साइन करके दे दिया, जी जी वैसा बिल्कुल तो कोई है नहीं। तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं आपको जी जो जी हमारा बिल्कुल एक्सपीरियंस है, ताकि आप लोग आने वाले जो भी बंदे हैं वो समझ जाए कि किस तरह से प्रोसेस होता है, बिल्कुल क्या बिल्कुल डॉक्यूमेंट उधर चाहिए होते हैं, इधर आने के बाद में कितना टाइम लग जा रहा है, कौन बंदा बिल्कुल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कैसे आ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये बात तो है। पहले हम लोग शुरू करते हैं जैसा वीजा प्रोसेस के ऊपर। जैसा अभी हाँ हम शुरू में वीजा, अगर वीजा प्रोसेस करते हैं हमारा, तो क्या फॉर्मेलिटी होता है, क्या प्रोसीजर होता है उसका? अगर हम कोई कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, तो वो चीज़ इनसे थोड़ा शेयर करते हैं अपन, क्योंकि काफ़ी लोगों को वो आइडिया नहीं है कि हम कैसे स्टार्ट करना। उनको ऐसा लगता है कि नॉर्मल है, सिर्फ अपन कोई कंपनी में, आप बाहर हो तो आप कोई भी कंपनी में हमको वीज़ा दिला सकते हो, तो इस तरह नहीं होता है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम यहाँ पे सिर्फ आपका रेफरेंस दे सकते हैं, बाकी क्लियर करना, आपका इंटरव्यू क्लियर करना, आपका अपना एचआर के साथ में कम्युनिकेट करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और आपको खुद से अपना ये प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो पहला अपना कैसा क्या प्रोसेस होता है, आप बताइए थोड़ा। पहले तो देखो, उधर से शुरू में आने के लिए तो सबसे पहले तो अपने को यूरोपा सीवी और कवर लेटर, बिल्कुल, अगर वो अपन बना लेते हैं तो आगे के लिए चांस है, तो काफी यानी बन। अगर अपना ये डॉक्यूमेंट बन जाए तो अपन डायरेक्ट भी प्रोसेस कर सकते हैं, कोई हाँ, भी एचआर से डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर हर सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट होती है, जी उनकी जीमेल होती है, उस पे आप मेल डालो, उस बिल्कुल पे ट्राई कर सकते हो। उनका ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्स नहीं आता है, बिल्कुल रिस्पॉन्स आता है, उसी बंदे का रिस्पॉन्स आता है जो उसको प्रॉपर वो चीज शेयर करेगा जी 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 मेल में, जो भी डिटेल है वो सही से डालेगा, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल जब डिटेल ही गलत डाल रहे हैं तो वो समझेंगे नहीं, तो फिर आगे कुछ उन अच्छा, लोगों को देना ही नहीं कुछ है, रिस्पांस नहीं आता है कोई उनसे। जी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, वो देना जरूरी है। हर चीज प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, अपना कवर लेटर भी होना चाहिए, जी जी सीवी भी यूरो पास फॉर्मेट में होना चाहिए, जी बिल्कुल वो है। उसके बाद में दो तरह के ये प्रोसेस है, एक तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो जी, और सेकंड आप कोई भी कंसल्टेंसी के द्वारा करवा सकते जो हो। जो जेन्युइन है और जो हाँ लीगल काम कर रहे हैं, आप हाँ उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। उनमें थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होता है, और जब आप डायरेक्ट करके आओगे तो उसमें आपका खुद का जो भी एक्सपेंस है वो होगा, बाकी बिल्कुल जो जेन्युइन आपके एम्बेसी फीस होगी, जो भी ट्रेवल्स का खर्चा है, टिकट बिल्कुल का है, ट्रेवल इंश्योरेंस है, डेमी टिकट का, वही लगना है, बिल्कुल उसके अदर कोई भी चार्जेस नहीं है उसके। बिल्कुल। तो इसमें जैसा मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जैसा मैंने जब अप्लाई किया था, तो मेरा अप्लाई करने के बाद में मेरा एचआर इंटरव्यू कॉल आया था। इंटरव्यू कॉल अटेंड करने के बाद में फिर वर्क परमिट आया, नॉर्मली पोलैंड के बारे में। पोलैंड का वर्क परमिट आने के बाद में फिर डॉक्यूमेंट सब तैयार करके है, तो एम्बेसी का डेट मिला। एम्बेसी का डेट मिलने के बाद में फिर वीज़ा लगा, क्योंकि वो टाइम पे इतना डिफिकल्ट नहीं था पोलैंड का, तो इजी था। जब अप्लाई किया था तो हफ्ते से 10 दिन में अपॉइंटमेंट मिल गया था वो टाइम पे, लेकिन अभी आज के डेट में थोड़ा सिचुएशन अलग है। अभी क्योंकि इधर वर्क परमिट बहुत ज़्यादा जारी किया ना गवर्नमेंट को, जी तो बिल्कुल वर्क परमिट देना, वीज़ा देना तो एम्बेसी का काम है। बिल्कुल एम्बेसी 100 फाइल जाती है, तो उसमें से लास्ट 8 से 10 बंदों का ही सिलेक्शन होता है, बाकी बिल्कुल सबका नेगेटिव रिजल्ट आता है, बिल्कुल। ये प्रॉब्लम है। तो अभी लाइसेंस का आपने कैसा किया, आपका यहाँ पे लाइसेंस का जो आपने प्रोसीजर किए? लाइसेंस का देखो, मेरा तो सऊदी का लाइसेंस था, तो मैं
पहले तो कंपनी को बोला, कंपनी वालों ने मेरे को हर चीज़ के लिए गाइड किया, तो वो लोगों ने बताया कि आपको 6 महीने इधर रहने के बाद में ही आपका लाइसेंस कन्वर्ट हो जाएगा। यानी नॉर्मली जैसा दूसरे यूरोपियन कंट्री में सेम इस तरह है कि आप 6 महीना, एटलीस्ट 6 महीना आपको आके होना चाहिए, तभी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस दिन से रजिस्ट्रेशन करोगे उसी दिन से 6 महीने आपका काउंट होना चाहिए, उसके बाद में आपका एक्सचेंज हो जाएगा। अगर वो जैसे कि गलत का कोई लाइसेंस है तो हो जाएगा। इंडिया का थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर 2009 से पहले का है तो आसानी से हो जाता है, 2009 के बाद में तो एवरी कैटेगरी आपको देना ही पड़ेगा एग्ज़ाम, अच्छा, जैसे बी सी डी जो भी है। तो आपका यानी सिर्फ जो पेपर वर्क है, पेपर वर्क को आपको, आपका ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जाम नहीं, और आपको है तो आपका कंपनी ने हेल्प किया पूरा हाँ, लाइसेंस बनाने के लिए। पूरा कंपनी ने हेल्प किया, मेरा लाइसेंस जेन्युइन था, तो मेरा एम्बेसी में जैसे उन लोगों ने डिटेल भेजा तो वेरिफिकेशन आया कि रिजल्ट इसका पॉजिटिव है, इसको लाइसेंस दे दिया जाए, तो उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ। और जैसा कि अभी फिलहाल आपको पता है, अभी पोलैंड में तो टीआरसी का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो हाँ, पोलैंड का टीआरसी का क्या प्रोसीजर है, इसमें क्या चीज़ अपन, यानी जो बंदे आए हैं या आने वाले हैं, तो वो क्या चीज़ करे स्टार्टिंग से आने के बाद तो उनको थोड़ा इजी होगा। पोलैंड का और देखो, जैसे भी बंदा आता है, आते ही उसको हर चीज़ का तो पता नहीं होता है, वो इधर उधर पूछता है तो उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है, बिल्कुल बिल्कुल तो वो हर एक से दो बंदों को उसको पता करना चाहिए कि किधर क्या प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि हर अलग अलग इधर जो सिटी है उनका अलग अलग रूल है, काटोविस में अलग मिलेगा तो वर्सावा में अलग ही मिलेगा आपको, तो हर चीज़ का पूछ के तो उसके बाद में कंपनी से लेना चाहिए। आपके हिसाब से अगर बंदा आ रहा है तो वो कहाँ करना चाहिए अपना टीआरसी प्रोसेस उसका, अगर वो कोई बाहर से लॉयर हायर करता है तो उसको कहाँ से करना सही रहेगा? देखो, अच्छा तो वैसे तो वर्षावा का भी ठीक है, लेकिन एक दो जगह और भी है, जैसे कराको है ना, हाँ, उसमें भी 2 से 3 महीने मिल जा रहा है। डिसीजन यानी 2 से 3 महीने हाँ, में डिसीजन आ आपको छः जाता है। महीने तक कार्ड मिल ही जाता है, अगर आपने काटोविस कर दिया या थोड़ा साइड में चलो तो रास्लो में कर दिया तो डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी थोड़ा क्योंकि प्रॉब्लम फेस करना हाँ, पड़ेगा आपको। इधर यूक्रेन वाले बेलारूसी जो भी बंदे आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा काटोविस एरिया में आ रहे हैं, क्योंकि इधर थोड़ा चेकिंग कम है, थोड़ा बैकवर्ड का सा एरिया है ना, इसलिए तो सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम है कि बंदे इधर ज़्यादा है तो फाइल भी ज़्यादा है, तो फर्स्ट में उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी देते हैं वो यूरोपियन बंदे हैं, यूरोपियन बंदे, तो अपना तो नंबर वैसे भी आना नहीं होता इधर, इस वजह तो से। मेरे हिसाब से, मैंने जहाँ तक देखा हो तो मेरे हिसाब से जब बंदा खुद आ रहा है तो अगर कंपनी उसका प्रोसेस कर रहा है, तो मैं जितना समझता हूँ, मैं पता नहीं राइट हूँ कि नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर बंदा नया आ रहा है, कंपनी को अगर इतना आइडिया नहीं है, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा पैसा ये बंदे ने इन्वेस्ट करके कोई लॉयर हायर करके बाहर से ही काम करवाना चाहिए, ताकि लॉयर अपने हिसाब से गाइड कर सके कि हाँ हम यहाँ से अप्लीकेशन करते हैं, ताकि आपको थोड़ा ईजी हो, यहाँ से थोड़ा डिसीजन या आपका प्रोसीजर थोड़ा फास्ट हो सकता है करके। तो ये चीज़ कर सकते हैं अगर जिसके पास में थोड़ा फाइनेंशियली जो स्ट्रांग है बंदा, जो फाइनेंशियली अपना कैपेबल है कि अपना ये सब चीज़ें थोड़ा फेस कर सकता है, जो सही बंदा है। ऑलरेडी इंडिया से प्रॉब्लम में आ रहा है फाइनेंशियली, चलो उसके लिए समझ सकते हैं अपन कि वो कंपनी अप्लाई करेगा तो कंपनी के थ्रू ही चलना सही रहेगा उसके लिए। सही बात है। नहीं, इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो, लॉयर का तो ज़्यादा फीस नहीं होता है, 2000 से 3000 जुलोटी, यानी इंडिया का 40 to 60 thousand। हाँ इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वो लोग क्या डायरेक्ट उधर जाके इमिग्रेशन ऑफिस में बात भी कर सकते हैं, अपने को तो अलाउ भी नहीं होता, अलाउ होए तो अपने को लैंग्वेज का बैरियर है, बिल्कुल लोकल बिल्कुल लैंग्वेज आती नहीं है, इंग्लिश में उन लोगों के भी लिए भी थोड़ी डिफिकल्टी है और अपने लिए भी है, बिल्कुल बिल्कुल ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और नॉर्मली जो इंग्लिश का ये हवा फैला के रखे अपने इधर कंट्रियों में कि इंग्लिश कंपलसरी है, तो यहाँ इतना मुझे तो ऐसा फेस नहीं हुआ कि इंग्लिश बहुत मस्ट है करके। नॉर्मली यहाँ भी देखे तो अपन ट्रांसलेट करके ही बात करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ भी बहुत से लोगों को इंग्लिश नहीं आता, हाँ मोस्टली वो तो है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया जाओ, पोलैंड आओ, तो बहुत रेयरली लोग मिलते हैं जो इंग्लिश में अपने साथ में कम्युनिकेट करते हैं, नहीं तो ज़्यादा करके लोगों के साथ में अपने को मोबाइल पे ही ट्रांसलेट करना पड़ता हाँ है। वो लोग भी तो ज़्यादा नहीं समझते ना, फिर ये लोग प्रिपेयर इसी चीज़ को करते हैं कि अपना लोकल लैंग्वेज बोला जाए, आप बिल्कुल जर्मनी में जाओगे तो वो जर्मनी बोलेंगे। बिल्कुल, जर्मन और डच लैंग्वेज में उन हाँ लोग टोटली वही इसमें बात करते हैं, वही दिक्कत तो इसके लिए यानी ऐसे बंदा जो है आपको सिर्फ इतना इंग्लिश आपका रहना चाहिए कि आप इंटरव्यू क्लियर कर सके, या फिर आपका एम्बेसी का इंटरव्यू है तो आप वो क्लियर कर सको, तो इतना आपके साथ में इंग्लिश का स्किल होना चाहिए। हाँ, नॉर्मल बेसिक आना चाहिए, आपको नाम पूछा तो नाम आपने समझ लिया, क्या पूछा तो बता बिल्कुल दिया, अगर आपके कंपनी का कोई डिटेल पूछा थोड़ा आप समझ गए तो वो बता दिया तो बहुत है, अपन कौन से उधर डिग्री करके आए थे, हम लोग बिल्कुल भी तो नॉर्मली पढ़ के इधर आए, बस बिल्कुल थोड़ा ट्राई करता है तो बंदा सक्सेसफुल जरूर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बस इतना है कि कोशिश करना जरूरी है लाइफ हाँ, में। कोशिश है जो करेगा उसको जरूर सफलता मिलेगी, एक ना एक दिन मिल ही जाती है, ये बिल्कुल, बात। तो मुझसे भी काफ़ी लोगों ने अभी ये चीज़ के बारे में पूछे कि कोई रिक्वायरमेंट होंगी तो बताए, तो मैं एक चीज़ बताऊंगा कि ऐसा अगर कोई
कोई भी मैसेज करता है और हम लोग अगर बता रहे हैं तो हम लोग ऐसा है कि आपको पूरा एक डिटेल नहीं दे सकते, कोई भी एचआर का कांटेक्ट डिटेल ऐसा नहीं होता है। सिर्फ हम कंपनी का नाम बता सकते हैं आपको कि ये कंपनी है। तो उसका ऐसा है कि उसकी वेबसाइट पे आपको जाना, उसकी वेबसाइट पे जाके उनका कांटेक्ट डिटेल भी मिलता है कंपनी का, और उनका एक ईमेल एड्रेस भी मिलता है। तो आपको ईमेल पे खुद अपना CV, कवर लेटर, आपके जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, ऑक्यूपेशन आपका क्या है, वो रिलेटेड आपको खुद उनको CV भेजना पड़ेगा। अगर वो एक बार में जवाब नहीं देते तो आपको 3 से 4 बार सेम ईमेल को उनको करना पड़ेगा। और हमेशा एक चीज़ याद रखो, जब भी आप उनको ईमेल कर रहे हो तो जैसा मॉर्निंग जो यूरोपियन टाइम है, यूरोपियन जैसा इन लोग 8 बजे मॉर्निंग 8 o'clock इन लोग अपना ऑफिस पे आते हैं, तो 8 बजे के टाइम पे या 8 बजे के पहले इनको मेल करो, ताकि जी जब वो अपना डेस्कटॉप ओपन करे तो जो मेल का लिस्ट रहता है उनका, तो अपना मेल जो है वो अप में रहे। अगर आप रात को कर रहे हैं तो वो मेल ऑलरेडी उनको काफ़ी आते हैं। तो कोशिश करें, ये भी चीज़ एक ट्रिक थोड़ा काम करती है, तो ये भी चीज़ से थोड़ा कोशिश करें, ये चीज़ सही है ना। हाँ, सुबह 8 बजे में होएगा तो फर्स्ट में आप ही का मेल देखा जाएगा, बिल्कुल उसमें भी थोड़ा आपको चांस मिलता है। और मेल होए तो मेल भी थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से करें, ये नहीं है कि अपने बीच में थोड़ा हिंदी को इंग्लिश करके वैसे ही लिख दिया नॉर्मली में, तो वो लोग तो समझते नहीं है फिर, क्योंकि ऐसी चीज़ें वो लोग देखते हैं। अगर उनको आती लैंग्वेज नहीं भी है ना, तो भी वो ट्रांसलेशन करेंगे अपनी लैंग्वेज में, तो अपना इंग्लिश थोड़ा सा ठीक रहेगा, तो वो उनकी लैंग्वेज में भी आसानी से वो लोग चेक कर सकते हैं कि बंदा क्या पूछना चाह रहा है, क्या इसकी ज़रूरत है। तो गाइस ये सब बातें थी आज, और देखेंगे और भी अभी वीडियो जैसा, अगर जो भी मुझे और भी टॉपिक है जो काफ़ी लोगों ने सवाल किए, तो कोशिश करेंगे कि उसके बारे में भी बात करें। सोहन राम जी जब तक है, तो आप कोई भी अभी करना ही की है, ये वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय। बाय।